दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, हम नॉर्मली रहते हैं लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो कुछ ऐसे करके चली जाती हैं जिससे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको लड़कियों के द्वारा किए जाने वाली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो अक्सर लड़कियां लड़कों के साथ कर देती हैं और फिर बंदा मदहोश सा हो जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि लड़की जब आपसे नजरें मिलाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है कि जब लड़की नजरें मिलाए तो क्या करना चाहिए। और हमने थंबनेल में भी यही लिखा है कि अगर लड़की नजरें मिलाए तो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, लड़की स्माइल देती है। आपने बहुत सी बार नोटिस किया होगा कि कोई कोई लड़कियां जो होती हैं वो स्माइल देती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको कोई लड़की स्माइल दे देती है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको भी उसे स्माइल पास करनी होती है। अगर लड़की का यहाँ कुछ रिएक्शन नहीं आता है तो आपको यहीं पर ही बात को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी लड़की आपको स्माइल देती है, उसके फेस पर कुछ रिएक्शन आते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि लड़की आपसे कुछ चाहती है। अब वो क्या चाहती है वो तो आप अंदर ही अंदर यार समझ ही रहे हैं। इसके अलावा अगर लड़की आपको घूरती है, आपसे नजरें ही नहीं हटाती है, आपसे बार बार आई कॉन्टेक्ट करती है, तो इसका भी सीधा सीधा मतलब यही है कि लड़की आपसे कुछ चाह रही है। अब चाहने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसको आपसे किसी चीज को लेकर कोई शिकायत हो, आपने पास्ट में कोई ऐसी मिस्टेक करी हो जिसको लेकर वो आपके साथ ऐसा कर रही है। लेकिन अगर आप श्योर हो आपने अपने पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं किया है लेकिन फिर भी वो आपसे नजरें मिला रही है, आपसे आई कॉन्टेक्ट कर रही है, तो यहाँ आपको अपनी तरफ से भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। अब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए वो सुन लो। वैसे स्टेप वगैरह लेने से पहले तो आपको उसको स्माइल वगैरह ही करनी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ अगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो आप उससे बात करने का स्टेप ले सकते हो। यहाँ डरना मत, अगर लड़की को आप में इंटरेस्ट होगा तो आपसे जरूर बात करेगी, लेकिन अगर उसको आप में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपसे बात नहीं करेगी। और पहली बात तो लड़की को आप में इंटरेस्ट है तभी वो आपसे नजरें मिला रही है, और नजरें मिला रही है तो आपसे बात भी जरूर करेगी। तो जब आपकी उससे धीरे धीरे बात आगे बढ़े तो दूसरे स्टेप में आप उससे एक दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो। उससे बोल सकते हो, यार मुझे तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन फील होता है और आई थिंक मैं तुम्हें अंदर ही अंदर लाइक करने लगा हूं। इतना अगर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ कर दोगे ना तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ लड़कियां क्या करती हैं, वो हमें देखकर शर्माती हैं। तो यहाँ क्या चक्कर होता है, यहाँ आपको सीधा सिर्फ यही समझना होता है, जो लड़की आपको देखकर शर्मा रही है ना कहीं उसके मन में आपके लिए जगह जरूर है। लेकिन शर्माने वाली लड़कियों का क्या सीन होता है, वो ना थोड़ी सी शाय टाइप की होती है, थोड़ी सी उसके अंदर इस चीज की घबराहट होती है और उसके अंदर थोड़ा सा डर होता है, और इसी डर के चक्कर में ना तो वो किसी से सेटिंग करती है और ना ही लड़के की सेटिंग होने देती है, क्योंकि बंदा तो उसके चक्कर में ही पागल रहता है, वो किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देता, और यहाँ बंदी का भी कुछ और ही सीन चल रहा होता है। तो इस तरह की लड़कियों से आपको बिल्कुल दबे पांव बात करनी होती है, मतलब इनसे ऐसे बात करनी होती है बिल्कुल चुप्पी में, मतलब किसी को भनक ही ना लगे। इसके साथ ही अगर आप अपनी बातों से ऐसी लड़कियों का ट्रस्ट जीत लेते हो तो सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ही रियर चांस होगा कि वो आपको धोखा दे दे। क्योंकि ऐसी लड़कियों का मैंने देखा है, वो अगर एक बार किसी से पट जाती है, किसी से सेट हो जाती है, तो फिर वो उसको धोखा नहीं देती। इसलिए ऐसी लड़कियां ट्रस्टेबल होती हैं, यकीन लायक होती हैं। बाकी परिस्थितियां तो भाई कुछ भी करवा सकती है, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आई होप इस वीडियो से आपको वो जानकारी मिली होगी जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने के लिए आए थे। वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।